फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये देखिए, ये है येलो कनेल और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर में बहुत बड़ा पेड़ है। ये छोटा सा गमले में लगाया है और ये एक है हारसिंगार का प्लांट। और ये हारसिंगार का प्लांट और कनेल के प्लांट की आज रिपोर्टिंग करनी है और इसकी कटिंग भी करूँगी। तो देखिए इसमें कितने सारे बीज बन गए हैं, क्योंकि अब बीज बनने का समय है। तो इसे अभी हम बहुत आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ये हारसिंगार के प्लांट में बीज बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए एक मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये सूख सा गया है। और ये जब सूख जाता है ना, तो इसको हम ग्रो बैग में लगा दें या फिर कहीं गमले में लगा दें तो इसे प्लांट आ जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से बीज से भी उगा सकते हैं और इसे कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। कटिंग से भी मैंने लगाया है कई सारे प्लांट। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों की कटिंग भी करूंगी और इन दो की रिपोर्टिंग भी करूंगी। तो उसकी मिट्टी मैंने कैसे बनाई है वो भी बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं कटिंग कर लेती हूं दोनों प्लांट्स की। तो ये देखिए, ये है कनेल का प्लांट और इनको सबको मैं हार्ड प्रूनिंग कर देती हूं, क्योंकि अभी हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी तो 10-15 दिन बाद इसमें रूट्स आ जाएंगे, थोड़े थोड़े से पत्तियाँ आ जाएंगी, फिर इसको 10-15 दिन बाद मैं रिपोर्ट करूँगी। तो अभी देखिए मैं अभी ये कट कर रही हूँ, ये हारसिंगार का प्लांट, और दोनों को देखिए मैंने कट दिया है। ये 15 दिन के बाद है दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए 15 दिन के बाद, और इसमें ये पत्तियाँ भी निकलने लगी हैं, नए नए लीव्स निकल रहे हैं। तो अब इसको समय आ गया है दोस्तों कि अब इसकी रिपोर्टिंग भी की करूँगी, क्योंकि ये मैंने 10-15 दिन पहले ही इसको कट किया था। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी है इन सब की, क्योंकि तुरंत कटिंग करके प्रूनिंग करके हम तुरंत रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट मर जाता है उस समय। तो ये 10-15 दिन के बाद का है दोस्तों। देखिए पत्तियाँ भी आ गई हैं और इसकी मिट्टी और जितने सारे रूट्स हैं सब ऊपर में आ गए हैं। तो इसको रिपोर्ट करना भी बनता है, नहीं तो ये फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। और ये मेरा हारसिंगार का प्लांट है, देखिए इसको भी मैंने बहुत हार्ड ही प्रूनिंग की है, क्योंकि इसके जो रूट है ना वो मोटे हो गए हैं। देखिए ब्रांच कितने मोटे हो गए हैं, बहुत मोटे मोटे से ब्रांच हो गए थे, और इसकी जो ब्रांच थी वो सब लैगी लैगी से हो गए थे। तो इसको कटिंग करना था, और इसके रूट्स भी देखिए आ गए हैं, ऊपर तक इसके रूट्स आ गए हैं। तो इसको अब रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हमारा पूरे समर सीजन में ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए इसको रिपोर्टिंग करते हैं और इसको मिट्टी निकाल के इसको फिर से इसमें हम नए मिट्टी भरेंगे और अच्छे से मिट्टी बनाएंगे, जो ताकि हमारा ये जितने भी रूट्स वाला मिट्टी है वो हटा दें और पूरे गमले खाली करके तब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरे रूट से भर गया था, तो इसको निकालना भी बहुत टफ है। तो मैं इसको निकाल तो दी हूँ, देखिए ये देखिए कितना इसका रूट अलग से हो गया है। और इसको निकालने के बाद इसके जितने भी डेड रूट है वो सबको मैं कट कर दे रही हूँ, यहाँ देखिए सारे मिट्टी निकाल के। और दोनों प्लांट की, ये हारसिंगार का प्लांट है, हारसिंगार प्लांट निकल ही नहीं रहा था देखिए, तो मैं इसको पानी डाल के और थोड़ा मॉइस्चर मिट्टी रखी हूँ, इसके बाद निकाली हूँ। तो ये बहुत कोशिश के बाद ये निकल गया है, देखिए कितने ज़्यादा रूट है, तो इसकी मिट्टी भी नहीं निकल रही है। यहाँ पर मैं पैर से निकाल रही हूँ, बिल्कुल दब सा नहीं रहा है। तो इसको दोस्तों मैं चाकू की सहायता से हटाऊंगी, क्योंकि इसको फोड़ने से भी नहीं हट रहा है। तो चाकू से मैं पूरे रूट के मिट्टी सहित रूट काट दूंगी, ताकि मिट्टी भी हट जाए और जो डेड रूट है, जो फैले हुए रूट है वो भी कट जाए। तो देखिए चाकू की सहायता से मैं काट रही हूँ यहाँ, और ये काटने के बाद इसको मैं पूरी तरह से इसको हटा दूंगी, ताकि पूरे अच्छे से मिट्टी निकल जाए। और यहाँ पर देखिए ये रूट कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े से रूट हो गए थे, और इन सबको भी मैं कट कर दूंगी, ताकि अच्छा सा ये मतलब प्यारा सा प्लांट बन जाए। और जब ये फिर से हम ग्रो करें, इसको फिर से रिपोर्टिंग करें, तो फिर से इसमें नए रूट आए और गमला भरे नहीं, क्योंकि जल्दी से गमले भर जाते हैं इसके रूट से, तो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है प्लांट्स। इसलिए इसे सब कट करके, देखिए मैंने कट करके छोटा बना दिया है, बिल्कुल इसका रूट छोटा हो गया है। अब जब इस दोनों प्लांट्स में जब फूल खिलेगा तो ढेर सारा खिलने लगेगा, क्योंकि फिर से इसको नया बना दिया है मैंने, नया प्लांट बना दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये मैंने पॉट्स लिया है, और ये पॉट्स जो है ना ये फूट गया था, तो इसको मैं अलग कर दी हूँ, क्योंकि ये मैं निकालते वक्त मुझे मेरा ये गमला फूट गया था। इसके बदले मैंने दूसरा गमला लिया है, वो भी इसी साइज का है, ये देखिए। तो एक ही साइज़ का गमला मैंने लिया है, ये भी 15x15 का ही है, दोनों प्लास्टिक के पॉट थे, तो इसके बदले मैं नया लगाऊंगी। और ये देखिए मिट्टी मैंने लिया है, तो मिट्टी जो ली है मैंने, एक भाग मिट्टी ली है, एक भाग कोकोपीट, एक भाग गोबर की खाद, थोड़ी सी सेंड, थोड़ी सी फंगीसाइड और थोड़ी सी नीम खली,
बराबर बराबर मात्रा में सब मैंने लिया है। बहुत हल्की मिट्टी बना रही है क्योंकि प्लास्टिक का गमला है और मिट्टी भी हल्की रहेगी तो प्लांट्स भी बहुत हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ठिकरी रख के मैंने होल को ढक दिया है और रेत डाल दिया है ताकि जब पानी डालूँ तो ये रेत मिट्टी जो है वो मॉइस्चर बनी रहे। इस तरह मैं मिट्टी बना के और प्लांट्स लगा दिया। देखिए ये मेरा कनेल का प्लांट लग गया है, तो इस तरह दोनों प्लांट में लगा दे रही हूँ। यहाँ कनेल का प्लांट लगा दिया है और इसमें मैं हरसिंगार के प्लांट लगाऊंगी। देखिए सारे रूट को कट कर दिया है और इसको भी मिट्टी मैंने उसी तरह भर के और इसमें इस प्लांट को लगा दिया है। तो इस तरह की मिट्टी बना के अगर प्लांट लगाएंगे दोस्तों तो पूरे समर सीजन ये फ्लावरिंग होता रहेगा। और इसमें देखिए आप पानी डाल देते हैं और दो दिन तक ठंडी जगह इसको रख देंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।